इस जगत में देखा जाता है, दो विभिन्न कर्मों का फल अलग अलग मिलता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही है, और दूसरा बच्चा खेल कूद में लगा रहा तो मीडियोकर रह गया, थोड़े कम नंबर आए उसके। व्यक्ति जैसी मेहनत करता है, जैसे कर्म करता है, इस संसार का रूल है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। एक टीचर जब पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, पूरी क्लास में सबको एक जैसा पढ़ाया, परंतु एक व्यक्ति, एक बच्चा आगे निकला और बाकी पीछे रह गए, तो ये हमारे कर्म हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। कर्म यदि हमारे अच्छे हैं तो पुण्य मिलेगा, यदि बुरे हैं तो पाप मिलेगा। पाप और पुण्य दोनों हिस्से हैं कर्म के। तो जगत में जो कर्म किए जाते हैं उनके विभिन्न विभिन्न फल मिलते हैं, परंतु यहाँ पर वर्णित है यज्ञ। जितने 6 श्लोक बोले गए, पिछले 6 श्लोकों में 12 यज्ञों का वर्णन है। ये समस्त यज्ञ जो हैं ये ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हुए, परंतु इन सब का जो फल है वो अलग अलग नहीं है, जैसे कर्मों के अलग अलग हैं। इन सब का फल एक है, वह है स्वयं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा से उत्पत्ति और लक्ष्य भी ब्रह्मा, तो कर्मों से यह उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर मेंशन है। इसका अभिप्राय है कि जितने साधन, जितने यज्ञ बताए गए, वो सारे यज्ञ, सारे साधन वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो बड़े लगन के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ मेहनत कीजिए, पूरे दिल से, पूरी नॉलेज को लगाकर मेहनत से लगातार लगे रहिए। कभी ना कभी फल तो मिलता ही है मनुष्य को। जब व्यक्ति निष्ठा के साथ अपने जीवन को लगाता है तब परमात्मा की प्राप्ति करता है। आत्म विकास के लिए, आत्म उन्नति के लिए ज़रूरी है कि हम निष्ठा से और प्रयत्नपूर्वक कर्म करें। इसका दूसरा अभिप्राय यह भी है कि साधन जो है साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है निष्काम कर्म करना, निष्काम भाव से जीवन को जीना। यज्ञ कैसा भी हो, चाहे हमने प्राण यज्ञ के बारे में सीखा, या इंद्रिय संयम के बारे में, मन संयम के बारे में, आत्म संयम के बारे में, या हमने आहार संयम सीखा, तो इसका मतलब है कि जैसी भी स्थिति हो, बस सब कुछ परमात्मा को अर्पित कीजिए। आप भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भी परमात्मा को अर्पित कर दीजिए। भीतर जो उदर में अग्नि है परमेश्वर की, उसको समर्पित कर दें। चाहे रूखा सूखा हो या स्वादिष्ट हो, सब कुछ परमात्मा तुम्हें समर्पित। ये निष्काम भाव से जब व्यक्ति जीवन को जीता है तो उसका जीवन सफल होता है। यहाँ पर परमात्मा के लिए बताया जा रहा है कि निष्काम भाव से कर्मों को कीजिए, तभी जिंदगी में सफलता हासिल होगी। अब मनुष्य तो सकाम कर्म करना चाहता है, निष्काम कर्म कौन करना चाहता है? जिंदगी में सीखा ही यही, सकाम कर्म कीजिए। निष्काम भावना कहाँ किसको पता? यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुक्ति होती है। मुक्ति इसलिए नहीं कि आपने कोई नॉलेज ले ली, कोई मेंटल डेवलपमेंट हो गई, इंटेलेक्चुअल आपने कोई कॉन्सेप्ट समझा, नहीं। इसका मतलब है अनुभव में क्या आया, बोध क्या हुआ आपको, यह आत्मा की उन्नति बताता है, आपकी उन्नति बताता है। निष्काम कर्म जब होते हैं तो आप अपने आप को उन्नत करते हैं, आत्म विकास करते हैं। जब सकाम कर्म होते हैं तो मन का एक छोटा सा हिस्सा ही प्रयोग में आता है, इसलिए निष्काम कर्म को बुद्धि योग भी कहा गया। यानी बुद्धि, पूरा 100% इंटेलेक्ट को यूज़ करना। नॉर्मली छोटी सी जिंदगी, छोटा सा परिवार, छोटा सा काम, बस उसी में हम उलझ कर रह जाते हैं।
हमें लगता है बस यही हमारा जीवन है। मन एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह जाता है, परंतु बुद्धि योग में क्या होता है, हम मन के सिर्फ 5% हिस्से को यूज़ नहीं करते, हम पूरे मन को यूज़ करते हैं। हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस तीनों तरह के मन प्रयोग में आते हैं, तो 100% इंटेलेक्ट का यूज़ होता है। सकाम कर्म, यह समझें, ये इच्छाओं के पीछे भागने वाला कर्म है। सुख की आशा रहती है इसलिए कर्म होते हैं, और परंतु मिलता है अंत में दुखी। सकाम कर्मी कभी कुछ नहीं होता, आनंद में नहीं रहता, परंतु निष्काम कर्मी आनंद को भोगता है, क्योंकि किसी आशा कामना से नहीं बंधा। जो बंधन से बंधा है वह तो पशु जैसा जीवन जीता है, और जो बंधनों का त्याग कर देता है वह आनंद की अवस्था में रहता है। तो निष्काम कर्मी आनंद को भोगता है, आनंद में वास करता है, आनंद को जीता है, क्योंकि परमात्मा भी क्षण भंगुर हैं, परमात्मा क्षण जीवी हैं। ये संसार क्षण भंगुर है, परंतु परमात्मा एक एक क्षण, एक एक पल को जीते हैं। तो इसीलिए याद रखिए, आनंद की अवस्था आती है जब सारी कामनाएं, आशाएं त्याग दी जाती हैं और सिर्फ कर्म पे ध्यान दिया जाता है, और ऐसा कर्म पूर्ण होने के बाद परम आनंद देता है मनुष्य को। सकाम कर्म ऐसा जैसे कोई फूल तोड़ने जाए और कांटा चुभ जाए। जो सकाम बुद्धि है वह कहेगी कि फूल ही गलत चुन लिया, इसीलिए कांटा चुभा है। परंतु याद रखिए, निष्काम कर्मी कहता है कि यह जो आकांक्षा है फूल तोड़ने की, इसी का त्याग कीजिए, ये इच्छाओं का त्याग कीजिए, तभी जीवन में प्रगति होगी, नहीं तो जीवन दुख में ही बीतेगा। एक कहानी आती है रामायण में कि सीता जी बैठी हैं अपनी कुटिया के पास, और दूर से उन्हें सोने का मृग दिखाई देता है। तो राम जी को प्रेरित करती हैं कि आप मेरे लिए सोने का मृग लेकर आइए। सभी जानते हैं सोने का मृग नहीं होता, यह धोखा है, परंतु सीता क्या, सीता इच्छा शक्ति, इच्छा, और राम क्या है, राम वह पावर जिसके द्वारा उस इच्छा की पूर्ति होती है। तो सीता जी ने प्रेरित किया और राम जी धनुष बाण लेकर चल पड़े मृग के पीछे पीछे। अब मृग है विषय वस्तु संसार की, ये विषय वस्तुएं ही तो हमें अट्रैक्ट करती हैं, अच्छा अच्छा भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छा मकान, सुख सुविधाएं, सब अट्रैक्ट करती हैं। तो विषयों में जो फंसा, इच्छा के पीछे जो भागा, वो अपनी सारी ताकत को उस पर लगा देता है। लगाना क्या है, अपनी ताकत को अपने भीतर के आनंद को पाने के लिए लगाना है। इच्छाओं की प्राप्ति के लिए लगाएंगे तो ना तो चीज़ मिलेगी और भटकन हो जाएगी। तो भटकन होती है और मनुष्य फिर रोता है। जैसे कोई व्यक्ति बोले अपनी प्रेमिका को कि तेरे लिए तो चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। अब चांद सितारे कोई नहीं तोड़ सकता, यह असंभव है, ये झूठ है, ये मृग तृष्णा है जिसमें लोग भटकते हैं। लोग कहते हैं आकाश से फूलों की बारिश हो रही, अब आकाश से फूल कहाँ बरसते हैं, यह तो भ्रम है मनुष्य का। तो ऐसे भ्रम में पड़ेंगे तो जिंदगी भटकन ही हो जाएगी, और जब अपने आप को, स्वयं को जानेंगे तो जिंदगी में बहार आ जाएगी। तो निष्काम कर्मी जिंदगी में बहार लेकर आता है। छोटे छोटे कृत्य करके देखिए, अपने प्रेम को कंडीशनल मत बनाइए, मुझे इससे लाभ है इसीलिए मेरे को इसका ध्यान रखना है, ये मुझे पैसा देता है इसीलिए मैं इससे प्रेम करूं, इसका ध्यान रखूं, नहीं। अनकंडीशनल लव, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, आप उनके पास जाइए, उनके साथ खेलें, उनकी बातें सुनें, वृद्धाश्रम जाएं, वहाँ जो बड़े बूढ़े हैं उनके पास बैठिए, उन्हें भोजन कराएं, उनकी बातें सुन ली, सुख दुख सुन लिया। यह नहीं, मैं तो एक एक पल का ध्यान रखता हूँ, एक एक क्षण का हिसाब है। अब जो एक एक क्षण का हिसाब ही रखता रहेगा और हर समय धन के पीछे भागेगा, वो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता।
मन होना चाहिए संयमित, इच्छाओं के पीछे भागने वाला मन नहीं, नहीं तो मन भटकेगा और आप दुखी ही रहेंगे, परेशान ही रहेंगे। तो अनकंडीशनल लव कीजिए, किसी भी व्यक्ति की मदद कर देनी, किसी को कोई दिशा दे देनी, कोई व्यक्ति भटका है, भूला भटका, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी में क्या करना है, उसे बताइए, समझाइए, ये सब अनकंडीशनल लव में, निष्काम कर्म में आते हैं। तो ऐसा कर्म मुक्ति है, और यह मुक्ति यदि मिल गई तो जीवन धन्य हो जाता है।